नहीं रही राखी सावंत की माँ। माँ के निधन पर दहाड़े मार मार कर रोई राखी। खुद को संभालना हुआ मुश्किल, कभी आदिल को पुकारती दिखी। आदिल कहाँ है? आदिल कहाँ है? कभी सलमान भाईजान को याद कर सुनाया अपना टुकड़ा। भाई मर गई, भाई सलमान भाई। राखी सावंत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 28 जनवरी की रात राखी को वो मनहूस खबर मिली जिसका अंदेशा तो उन्हें पहले से था, लेकिन दिल सिर्फ माँ की सलामती की दुआ करता था। अफसोस, सारी कोशिशें सारी दुआएं काम नहीं आई। राखी की माँ कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारियों से जिंदगी की ये मुश्किल जंग हार गई हैं। शनिवार रात राखी की माँ जया भेड़ा का निधन हो गया। वो लंबे वक्त से मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल में एडमिट थी। जया भेड़ा की हालत लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी। राखी सावंत अक्सर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती थी। शनिवार की शाम भी राखी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँची थी, लेकिन राखी को क्या पता था कि इस बार माँ से ये मुलाकात आखिरी साबित होगी। माँ के आखिरी पलों में राखी उनके साथ ही रही। राखी के हॉस्पिटल पहुँचने के एक घंटे बाद ही उनकी माँ ने अंतिम सांस ली। माँ के निधन से राखी बुरी तरह टूट चुकी हैं। खुद को संभाल पाना भी राखी के लिए मुश्किल हो रहा है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें राखी अपनी माँ के पार्थिव शव को क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल से कूपर हॉस्पिटल में ले जाती दिख रही हैं। इस दौरान राखी खुद को संभाल नहीं पाई और मीडिया के सामने दहाड़े मार मार कर रोने लगी। राखी को यूं विलखता देख उनके साथ वहां मौजूद बाकी शख्स भी फूट फूट कर रोने लगे। बेहिंता दर्द में डूबी राखी कभी शौहर आदिल को याद करती दिखी तो कभी राखी सलमान को याद कर रोने लगी। राखी सावंत की माँ जया भेड़ा का अंतिम संस्कार आज यानी कि रविवार दोपहर 12 बजे के करीब किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद राखी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी है, जिसमें राखी ने बताया है कि उनकी माँ का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज के अनुसार ओशिवारा स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान